अहमदाबाद में आपका रोड शो, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद, रोड शो विभिन्न क्षेत्रों से गुजरा पर गुजरात के यहाँ के लोगों के निमंत्रण पर मैं आज यहाँ आया हूँ। यहाँ पर निकाय चुनाव हो रहे हैं लोकल बॉडीज के, और जिस तरह का माहौल है यहाँ, मेरे साथी मुझको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और मुझे भी बहुत लोग गुजरात के मिलने आते हैं बीच बीच में। सबका ये कहना है कि यहाँ बीजेपी जो है बहुत अहंकार से भर गई है और अब लोग बीजेपी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में दम नहीं है कि वो बीजेपी को हटा सके, बीजेपी को हरा सके। और अब लोग अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को, जिसमें शिक्षा की राजनीति है, स्वास्थ्य की राजनीति है, बिजली पानी की राजनीति है, लोगों के लोकल इश्यूज़ की राजनीति है, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई राजनीति है, उसको एक बार विश्वास कर रहे हैं, दिल्ली के मॉडल को देख के विश्वास कर रहे हैं। और आज मैं लोगों के बीच यही बात रखने आया हूँ कि एक बार केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी की राजनीति को अवसर देंगे तो फिर वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को भूल जाएंगे। लग रहा है कि अब दिल्ली दूर नहीं, अहमदाबाद दूर। अब अहमदाबाद दूर नहीं है, थैंक यू। दिल्ली मॉडल के लिए अब अहमदाबाद दूर नहीं है। अच्छा, आज के पूरे कार्यक्रम क्या रहेंगे, किस तरह से पूरा आयोजन? पूरा रोड शो रहेगा और अलग अलग प्रोग्राम्स में मैं रहूँगा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूँगा और कुछ लोगों से मुलाकात करूँगा। लोगों को यही बताऊँगा कि किस तरह से, जैसे केवल 5 साल में केजरीवाल जी को मौका मिला है दिल्ली में, उन्होंने जितना काम दिल्ली में करके दिखाया है बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में, अगर बीजेपी इतने लंबे समय पर भी नहीं करके दिखा पाई तो इसका मतलब बीजेपी का मॉडल तो फेल है। दिल्ली का केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव आता है, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी को राहत मिलती है, उसको ग्रोथ मिलती है, आज गुजरात में उसके नाम पे वोट पड़ेगा। थैंक यू सर।